सिक्योरिटी में आपको लेके जाऊंगा। ये वॉयलेशन इनकी तरफ से हो रही है, एनओसी मिलने के बाद आप वॉयलेट कर रहे हैं। कानूनी जुर्म है तो आपका काम बनता है जुर्म को खत्म ऑर्डर को वॉयलेट कर, हटाएं कंटेनर, हटाएं कंटेनर, हटाएं सबको उधर खड़ा करें, कंटेनर हटवाएं। क्या लगता है आपको, जलसा होगा? जी जलसा शुरू हो गया है। जलसा शुरू हो गया? हाँ जी जलसा शुरू हो गया। रोकोगे वही जलसा होगा। इंशाल्लाह ताला जलसा होगा, लाहौर की हर गली हर जगह हर चौक इंशाल्लाह ताला खान का जलसा होगा। खान के लोग लाहौरिये अपने वोट की हिफाजत के लिए जो हमने 8 फरवरी को दिया, सुबह जोग दर जोग निकलेंगे। सुबह क्या अभी ही जलसे का आलम है अल्हम्दुलिल्लाह। अभी हमारी और भी बहुत सारी खवातीन आ गए हैं, मर्द आ गए हैं, ये हमारे लीडर भी हमारे साथ साथ हैं। 3 किलोमीटर अभी है, हम चलेंगे। हमने सवाबी का जलसा 7 किलोमीटर पैदल चल के भी तय किया। ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मेरा अपना शहर है लाहौर, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं। अस्सलामुअलैकुम सर। नहीं नहीं आपको बुला रहे हैं हमने कहा। कैसे सर आप? नासिर साहब ठीक है सर? वो एनओसी मिलने के बावजूद भी कंटेनर सर, ये कोई बताएंगे प्लीज? कोई कमेंट्स नहीं दूंगा। लेकिन सर ये खिलाफ वर्जी है ना लाहौर हाई कोर्ट की? खिलाफ वर्जी नहीं है ये, सिक्योरिटी। अच्छा खिलाफ वर्जी नहीं है ये? नहीं सिक्योरिटी वजह के, सिक्योरिटी के लिए की वजह। अच्छा बात तो कर ले, नहीं पंडित रास्ता दिया हुआ है। किस तरफ से? हाँ उधर से मेन से, मेन से ये एक रास्ता आता है। दूसरा रास्ता कहाँ से दिया हुआ है आपने? गज्जू मत्ते से भी हम लोग देख रहे हैं। बोला था ये वाला रास्ता ऑफिशियल, एनओसी ऑफिशियल के लिए बताया था सर, ये ऑफिशियल रास्ता है इनका, ये सिक्योरिटी इशू है, ये रास्ता इन्होंने अलाउ किया है और यही बंद कर दिया। आपके पीछे क्या चल रहे हैं सर? बात सर बात सुने मैं बात कर रहा हूँ सिक्योरिटी इश्यू की वजह से। ये अच्छा क्या सिक्योरिटी इश्यू जरा बताएंगे सर? भाई इधर अगर जलसा होना है तो सिक्योरिटी देनी है कि नहीं? हमने देनी सिक्योरिटी क्या जलसे? सर नवाज शरीफ का जलसा भी हुआ था, हमने वहाँ पे तो कंटेनर लगे हुए नहीं देखे थे। ये आपको सिक्योरिटी वाले सही गाइड करेंगे। मैं थोड़ा सा बता दें हमें कि किस सिक्योरिटी में जाने वाले रास्ते बंद कर दिए? नहीं अभी हमने देखा कि यहाँ पर सिर्फ जलसे को जाने वाला एक सर, अभी ये सर ये ऑफिशियल रास्ता है सर, ये ऑफिशियल रास्ता है, ऑफिशियल रास्ता है। मेरी बात सुने, उधर गज्जू मत्ते से हमने रास्ता दिया सर, एनओसी में ये रास्ता है सर, गज्जू मत्ते वाला रास्ता नहीं है। अभी ये जो जहाँ जिस दो शमीम साहब है, आप हमें आप आवाम की खिदमत के लिए ना, बिल्कुल ये सब आवाम है। हाँ जी बिल्कुल, आइए मेरे साथ चलिए, मेरी गाड़ी में बैठिए, मैं वापस आपको छोड़ूंगा। मुझे वो रास्ता दिखाइए जो खुला हुआ, गज्जू मत्ते वाला मेन रास्ता। नहीं आप बैठे मेरे साथ, अरे मेरे साथ गाड़ी में बैठे ना। लेकिन एनओसी में यही वाला रास्ता है, मसला ये एनओसी में ये वाला ऑफिशियल रास्ता है सर, सिद्ध पिंड है। अब सिद्ध पिंड को आने वाला रास्ता आपने बंद कर दिया सर, बंद है सर, बंद है आप तमाम रास्ते बंद है, ये वही रास्ता खुला हुआ था। आप देखिए सर, आप एनओसी पे देखिए कौन सा रास्ता दिखाया हुआ है। मेरे पास एनओसी नहीं है, मैं दिखा दूं, मैं चेक करवा के मैं आप दिखा दूं। आप हमारे यहां से फिर सर एनओ आपको लेके जाऊंगा भाई, मैं ये वॉयलेशन इनकी तरफ से हो रही है, कोर्ट में लेके आपकी जिम्मेदारी है हम इंसाफ करना। ये कौन सा इंसाफ है? नईम साहब भाई ये वॉयलेशन आपकी तरफ से, कानूनी जुर्म है तो आपका काम बनता है जुर्म को खत्म करवा। देखिए सर बात सुने सर, बोल रहे कौन सा ऑफिशियली ये रास्ता है सर, अगर आप ये रास्ता बंद कर देते तो एनओसी के खिलाफ वर्जी होती है सर, आपकी मेहरबानी होगी ये रास्ता बंद करें। कंटेनर साइड पे करवा देना, कंटेनर साइड पे ही है अभी रास्ते में, साइड पे आप लोग हमारे मुँह पे झूठ बोलते हैं, हमारे सामने हमें झूठ कह रहे हैं कि रास्ता मौजूद है, सामने कंटेनर मौजूद है, हाई कोर्ट के ऑर्डर्स की ये वॉयलेशन कर रहे हैं, ये वॉयलेट कर रहे हैं। चले कंटेनर हटाएं, कंटेनर हटाएं, कंटेनर हटाएं, सबको उधर खड़ा करें, कंटेनर हटवाएं। अच्छा सर कंटेनर खुलवाएं उधर से, कंटेनर
में रुकवाएंगे रास्ता को ले चले जी, इस तरफ आ जाएंगे आगे थोड़ा रास्ता दे दे भाई, रास्ता दे दे भाई, रास्ता रास्ता मैम आपको कुछ गिरा तो नहीं है बेटा, बंद करो मोटरसाइकिल लेकर आओ। दूध भी कंटेनर, खौफ इंसानियत क्या खौफ इंसानियत हो गया, इतने इंसान निकल के आएंगे कि इनकी तबीयत साफ हो जाएगी, ये कंटेनर क्या रोकते हैं। आप कंटेनर से नहीं रुकने वाले? नहीं। ना पहले संजानी पे रुका था, वहाँ भी मौजूद था, कितने कंटेनर लगाए थे, ये कौन सा रुकेगा। हम तो ये सुन रहे थे हुकूमत कह रही है इमरान खान डन एंड डस्टेड, अवाम के साथ मकबूल नहीं है, तो फिर ये कंटेनर लगाने की क्या मजबूरी है उनकी? आपने सही कहा, हुकूमत डस्टेड भी है, डन भी है, डन भी है, डस्टेड भी है। आइए आप चल रहे जान सर, बेशुमार बेशुमार। कराची से कितना सफर करे? बेशुमार बेशुमार। कराची से कितना सफर हुआ है अभी आपका, कब पहुंचे आप? अभी पहुंचे बिल्कुल। मेरा सफर तो उस दिन शुरू हुआ था जब 5 अगस्त हुई थी, ठीक हो गया, और उस दिन खत्म होगा जब मेरा लीडर मेरे साथ खड़ा होगा, ठीक हो गया। फिर दोस्त शमीम साहब हमारे साथ मौजूद हैं, आपके सामने थोड़ा सा बेटा इस तरफ आए, आप देख सकते हैं। फिर दोस्त शमीम साहब कह रहे हैं कि कंटेनर से रुकने वाला नहीं हूं मैं, और वो कंटेनर अबूर करने जा रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हम कंटेनर भी लगा लें, आप जो मर्जी लगा लें, हम लोग जाएंगे। फिर दोस्त शमीम साहब के चलते भी हैं। और अस्सलाम वालेकुम मैम, क्या लगता है आपको जलसा होगा? जी जलसा शुरू हो गया है। जलसा शुरू हो गया? हाँ जी जलसा शुरू हो गया। रोकोगे वही जलसा होगा। हाँ जी। मैंने आपको कहा था कि फिर दोस्त शमीम साहब उधर से आ जाएं, उधर से आ जाएं। मैंने कहा था आपको पहले मीनारे पाकिस्तान में जलसा होना था, अब पूरे लाहौर में होना है जलसा, क्या कहेंगी आप मैम? इंशाल्लाह ताला जलसा होगा, लाहौर की हर गली हर जगह हर चौक इंशाल्लाह ताला खान का जलसा होगा। खान के लोग लाहौरी अपने वोट की हिफाजत के लिए जो हमने 8 फरवरी को दिया, सुबह जोग दर जोग निकलेंगे। सुबह क्या अभी ही जलसे का आलम है अल्हम्दुलिल्लाह, अभी हमारी और भी बहुत सारी खवातीन आ गए हैं, मर्द आ गए हैं, ये हमारे लीडर भी हमारे साथ साथ हैं। 3 किलोमीटर अभी है फासला, हम चलेंगे। हमने सवाबी का जलसा 7 किलोमीटर पैदल चल के भी तय किया, ये तो कुछ भी नहीं, ये तो मेरा अपना शहर है लाहौर, इसमें तो हमें कुछ भी नहीं। एक दफा पहले संगजानी पे हमें मंडी मवेशियाँ दिया, इन्होंने हमारा पूरे का पूरा स्टेमिना आजमाया, और आज फिर इन्होंने मंडी मवेशियाँ दिया है, आज लाहौर का इन्होंने और हमारा एक दफ़ा फिर स्टेमिना आजमा रहे हैं। लेकिन हम आप जिद्दी बढ़े नहीं है, नहीं आप जिद्दी बढ़े, अब इनको समझ आ गई होगी, एक खान अंदर बैठा हुआ है और कितने खान बाहर है, कितने खान, क्या बात की आपने, खान बाहर है, एक खान अंदर है और 22 करोड़ खान बाहर है, इनसे खान एक नहीं जेल में।